बिहार में विपक्षी महागठबंधन में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। रविवार को होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से ठीक पहले महागठबंधन के कुछ सहयोगी दलों ने सीट बंटवारे के लिए दबाव बढ़ा दिया है। वाम दलों के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक अलग फ्रंट बनाकर आरजेडी कांग्रेस नेतृत्व को सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने का अल्टीमेटम दे दिया है। सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव आगामी लोकसभा का चुनाव मधेपुरा से ही लड़ेंगे। जाप की कोर कमेटी बैठक में शुक्रवार को इस बारे में आधिकारिक घोषणा कर दी गई। पार्टी पूरी मजबूती से पप्पू यादव की जीत के लिए काम करेगी, ये पार्टी का दावा है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पप्पू यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी महागठबंधन के समर्थन में है, लेकिन उन्हें कोई सीख नहीं दे कि वो राजनीति कैसे करें। उन्होंने अपने सीट पर कांग्रेस से समर्थन मांगा है। पप्पू यादव ने साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें कोई उनकी औकात नहीं बताए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पटना आएंगे। वो दोपहर करीब 12:30 बजे ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए की संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। रैली को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एलजेपी अध्यक्ष और सह केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नई दिल्ली से एयरफोर्स के विशेष विमान से सुबह करीब 11:30 बजे पटना पहुंचेंगे। इसके बाद वो सीधे गांधी मैदान रैली स्थल पर पहुंचेंगे। उनके 2.25 घंटे तक यहां रुकने की संभावना है। पुलवामा हमले की साजिश के तार बिहार के बांका जिले से जुड़े हैं। एक दैनिक अखबार में छपी खबर के मुताबिक बांका जिले का चिन्हित आतंकी इससे पहले 2001 में संसद पर आतंकी हमले में भी शामिल था। फिलहाल उसके घर में 500 किलो आरडीएक्स छुपाए जाने का इनपुट खुफिया विभाग को मिला है। इसका खुलासा खुफिया विभाग के एक पत्र से हुआ है। खुफिया इनपुट के अनुसार वो आतंकी मौलाना मसूद अजहर से जुड़ा है और उसके घर की एक बुजुर्ग महिला भी आत्मघाती दस्ता बन चुकी है जो हमले की ताक में है। पुलिस पार्टी को उड़ाने के लिए नक्सलियों के द्वारा डुमरी थाना क्षेत्र के डिबरा पहाड़ी पर लगाए गए 2 10-10 किलो के शक्तिशाली आईईडी बम को पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया। सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाकर डुमरी थाना क्षेत्र के डिबरा पहाड़ में नक्सलियों द्वारा पुलिस को क्षति पहुंचाने के लिए रखे गए 10 10 किलो के आईडी को नष्ट कर दिया। इस बाबत एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह ने बताया कि नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह में लगातार नक्सलियों के सक्रिय होने की सूचना सामने आती रहती है और पुलिसिया कार्रवाई भी गिरिडीह जिले में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ जारी है।